बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल आपने ज़रूर किया होगा, लेकिन आप शायद इसके बहुत से कमालात से नावाकिफ हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि विटामिन ई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। विटामिन ई जिस्म के अंदर बनने वाले फालतू ज़रात और फासद मादों को रोकता है, स्किन को जवान रखने में अहम किरदार अदा करता है, झुर्रियां मिटाता है, स्किन को टाइट करता है। तो अब हम आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं कि इस कैप्सूल को किस तरह मुख्तलिफ अशिया के साथ इस्तेमाल करके रिजल्ट को बासर बना सकते हैं। आंखों के किस स्याह हलकों को चंद दिनों में ख़त्म करने के लिए एक अदद विटामिन ई कैप्सूल को एक चम्मच नारियल के तेल में मिला दें और अच्छी तरह मिक्स करें, यहाँ तक कि ये यकजान हो जाए और क्रीम की शक्ल अख्तियार कर लेगा। आंखों के गिर्द सोने से पहले लगाएं और सुबह उठकर धो लें। चंद दिन के इस्तेमाल से स्याह हलके ऐसे गायब होंगे जैसे थे ही नहीं। होंठों को गुलाबी और नरम मुलायम बनाने के लिए आधा चम्मच खालिश शहद, एक विटामिन ई कैप्सूल और चार कतरे नींबू के रस के तीनों अशिया को अच्छी तरह मिक्स कर लें और रात भर होंठों पर लगाएं। इस अमल से होंठ नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। हाथों की खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। एक चम्मच मलाई और दो अदद विटामिन ई के कैप्सूल अच्छी तरह मिक्स कर लें और हाथों पर 15 मिनट लगाएं, इसके बाद धो लें। इस कुदरती क्रीम को लगाने से हाथों का कालापन खत्म होगा और हाथ खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएंगे। विटामिन ई कैप्सूल फटी एड़ियों के लिए बहुत मुफीद है। पेट्रोलियम जेली एक चम्मच और विटामिन ई कैप्सूल एक अदद, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और रात को फटी एड़ियों पर लगाएं। बस चंद दिन के इस्तेमाल से एड़ियां ठीक हो जाएंगी। नाखूनों के लिए ये कैप्सूल काफ़ी असीर है। एक कैप्सूल लेकर अपने नाखूनों की मालिश करें, इस अमल से खुरदरापन खत्म होगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से आपके नाखून कभी खराब नहीं होंगे। बालों को स्याह, लंबा और घना करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल बहुत मुफीद है। बालों के ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल एक चम्मच, जैतून का तेल एक चम्मच और विटामिन ई कैप्सूल दो अदद, इन तमाम अशिया को अच्छी तरह मिक्स कर लें और हफ्ते में 3 या 4 बार रात को सोने से पहले 5 से 7 मिनट तक हाथों से मसाज करें और सुबह धो लें। बालों के तमाम मसाइल का खात्मा होगा। चेहरे पर कील मुहासे के बाद चेहरे पर पड़ने वाले जिद्दी दाग और छाइयां हुस्न को ख़राब कर देते हैं, तो इन मसाइल से छुटकारा पाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल दो अदद और चंद कतरे नींबू का रस इस्तेमाल करने से छाइयां खत्म हो जाएंगी और चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। जिल्द का ढीलापन खत्म करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल को जैतून और एलोवेरा में इस्तेमाल करने से ये मसला भी खत्म हो जाता है। जैतून का तेल 2 चम्मच, एलोवेरा जेल 2 चम्मच और विटामिन ई कैप्सूल 3 अदद मिक्स करके चेहरे पर रोजाना आधा घंटा लगाएं। आपकी ढीली जिल्द टाइट हो जाएगी। चेहरे का रूखापन दूर करने के लिए किसी भी मॉइस्चराइजर में विटामिन ई कैप्सूल शामिल करके लगाएं तो जिल्द का रूखापन खत्म हो जाएगा। घुंघराले बालों के लिए विटामिन ई कैप्सूल एक अदद, आधा चम्मच एलोवेरा जेल 1 कप पानी में मिलाकर बालों पर स्प्रे करें, आपके बाल नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।